दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आज हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। केवल 20 साल के अंदर में आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए बना पाओगे अगर SIP आप मंथली 1000 रुपए की चलाते हो। देखो, 100% मार्केट रिस्क है, पर 100% आपके पैसे भी बनेंगे, ये भी कन्फर्म है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सॉरी, जब तक हम खुद एनालाइज नहीं करेंगे ना, किसी चीज़ को नहीं खरीदेंगे, तो हमें पता नहीं होगा क्या रेट में हमें मिली है और ये क्या रेट में बिकेगी। जब तक आप लेना स्टार्ट नहीं करोगे NAV, तब तक आपको पता नहीं लगेगा ये म्यूचुअल फंड कितने रुपए का है और इतने पैसे कैसे बना रहा है। पूरी वीडियो वॉच करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड, बहुत ही बेहतरीन है। 30 जून 1995 से स्टार्ट है। कई लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड भाग जाता है, मिलता नहीं पैसा, तो मेरे को एक भी वीडियो सेंड कर सकते हो आप जो ये कह दे कि मेरे पैसे डूब गए। इसमें आप सिंगल किस्त भी अगर आप जमा करा देते हो ना सर, वो भी आपका रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगी। 1995 से आज तक टाटा का रिकॉर्ड है, कहीं भी पैसा नहीं अटका है, क्योंकि टाटा का नाम बहुत है। टाटा का नमक है, टाटा के व्हीकल हैं, टाटा के शेयर हैं। आप शेयर होल्डर देखोगे, इनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कर्जा मुक्त कंपनी है ये। और टाटा का म्यूचुअल फंड लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाटा बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है। इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी 28.13 का रिटर्न दे रहा है सर ये। अगर आप देखोगे इतना मार्केट हलचल होती है मार्केट के अंदर, तो आप यूँ मान के चलो कि 20-15 के करीब होता है। मैं कहता हूँ 20-15 भी अगर मिलता है ना, तो भी बहुत है। RDF, DPF वगैरह से बहुत बेहतरीन रिटर्न होता है। तो हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप की। NAV की बात करें, 38 रुपये है आज की डेट में। NAV की बात करें, 38 रुपये है आज की डेट में। अगर हम देखें, जब भी नया म्यूचुअल फंड आता है NFO, उसका रेट होता है 10 रुपये। आप ये देखो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 38 रुपये हो गया। किसी बंदे ने उस टाइम पे लमसम में पैसा लगाया होगा इसमें, तो उसके पैसे काफ़ी सारे बन गए। और रेटिंग की बात करें, 5 स्टार मिला हुआ सर, बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली हुई इसको। फंड साइज की बात करें, 6,236 करोड़ रुपए है। टाटा पे इतना भरोसा है लोगों का कि इतना पैसा लोगों ने अपनी मर्जी से इस फंड के अंदर डाला हुआ है। और जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे लगाए जाते हैं, कितना रिटर्न मिलता है, कौन सी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, क्या म्यूचुअल फंड सही है। देखो, मार्केट रिस्क है, पर म्यूचुअल फंड सही है, ये बात ओके है। होल्डिंग की बात करें, 51 कंपनी, एक्सपेंस 0.34 के करीब, एग्जिट रेट 1%। एक साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे। AUM की बात कर लेते हैं, 1,36,020 करोड़ रुपए है सर, बहुत ज़्यादा AUM है। रिटर्न की बात करें, 28.13 है। 5 ईयर की बात करें, 29.35 है। 3 ईयर की बात करें, 34.56 है। 28 का रिटर्न हम मान के चल रहे हैं इसमें। आप ये देखो, इतनी हलचल होने के बावजूद भी 28 पे टिका हुआ है। आप यूँ देखो, इनकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, इनके मैनेजर कितने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आपके पैसे को सही जगह लगा रखा है। घबराइए मत, आपको तो SIP करनी है बस दिल से। 51 में से 4 कंपनियों का नाम बताऊंगा। DSP बैंक है 2.17, फिनोलेक्स केबल है 1.4 के करीब, RR केबल है 1.38 के करीब, होंडा इंडिया है 1.83 के करीब। उन लोगों के लिए बताता हूँ जिन लोगों की ब्लूटूथ बिल्कुल डेड पड़ी है, जो लोग सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा या कुछ आविष्कार होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। मैं 42-43 साल का हो गया, मैंने देख ली जिंदगी को। कोरोना के अंदर में मैंने ये सीखा कि अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, अपने पैसे से कंपाउंडिंग कैसे हो पैसों के ऊपर, ताकि हमारा पैसा महंगाई के साथ टक्कर खा सके और हमें कुछ पैसे महंगाई से लड़ने के साथ में ज़्यादा पैसे मिल सके। अगर वही आप RDF, DPF वगैरह में लगाते हो, 8% का रिटर्न मिलता है सर। यहाँ पे मैं 28% की बात कर रहा हूँ सर। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मान लेते 8% नहीं भी मिलता, अगर 20 भी मिल जाए तो भी बहुत है। 4 कंपनी का नाम इसलिए बताता हूँ, कोई लोग सोचते हैं कि पैसे पता नहीं कहाँ लगा रखे हैं, ये ऐसे बातें करते हैं। हवा में बातें नहीं कर रहे सर, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, अगर आपको समझ में आता है तो आपको जो बेस्ट लगे वो स्मॉल कैप ले सकते हो। SBI का भी ले सकते हो आप, निपोन का भी ले सकते हो, SGFC का भी ले सकते हो, जो बेहतरीन लगे। पर टाटा का मोस्ट बेहतरीन म्यूचुअल फंड है ये, टाटा स्मॉल कैप फंड। इसको ले हो आप, जीवन के अंदर आनंद लोगे। देखो, टाइम ऐसे चलता रहेगा, हर चीज़ बिकती रहेगी, हर चीज़ लोग खरीदते रहेंगे, पर
पर हमारा कौन सी कंपनी में कितना हिस्सेदार है। यहाँ पे 51 कंपनियों में आपके पैसे लग गए सर, आपको पता ही नहीं कौन सी कंपनी है और आपका पैसा चल रहा है वहाँ पे। एक हिस्सा होना और एक हम खुद नौकर होना, बड़ा फर्क है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होंगी, स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां होती है, बाद में कंपनियां बड़ी होती है, आपका पैसा भी बड़ा होता है। 51 कंपनियां आपको करोड़पति बनाएंगी, ये बात याद रखना। अगर आपको समझ गया आगे तो मेरे केवल 1000 रुपये की SIP करते हैं, 28% का रिटर्न, 20 साल में आपने लगाए 240,000 रुपये, आपको मिल गए 1,10,70,283 रुपये। आपका बच्चा छोटा है, 20 साल बाद पैसे चाहिए आपको शादी के, शादी भी कर देना, उसके लिए मकान भी बना देना, अपने लिए भी पैसे जमा कर लेना, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा। जो बंदा 10 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है वो कभी भी सेविंग नहीं कर पाता, उसके लिए 1000 रुपये निकालने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। पर मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश कीजिए 1000 रुपये निकालने की। 1000 रुपये निकालोगे तो 1000 टेंशनों से दूर हो जाओगे आप। बुढ़ापे में क्या है, पैसा भी नहीं आता और टेंशनें ज़्यादा जाती हैं। उस टाइम हमारा ईगो भी हट होता है कि हम बूढ़े हो गए, अब हमारे हाथ पैर नहीं चलते, हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, गुजारा कैसे करेंगे। पर अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा हो, SWP में लगाओ आप, 20-25 हज़ार रुपये मंथली पेंशन लो, आराम से ज़िंदगी जियो। ना किसी के पास जाना, ना किसी को जयराम जी करनी, ना किसी को सलाम ठोकना, आपके घर पे आएगा 1 तारीख को कट देसी मैसेज और आपके अकाउंट में पैसे। ज़िंदगी को जीना है तो बेहतरीन जीजिए, ऐसे घस घस के नहीं कि यार 500 रुपये दे जो उधार, 100 रुपये दीजिए, उसमें ज़िंदगी नहीं निकलेगी। 1000 रुपये आज अगर आप अपने आप को खुद को पे करते हो तो ज़िंदगी के 1000 टेंशनों को आप दूर कर पाओगे। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आप लोगों को।